ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। बस गाइस आप लोग जो वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। एंड गाइस इस वीडियो में जो हमारा कलरकेशन वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो गाइस मिस मत करना, वीडियो कंप्लीट वॉच करना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। आगे चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को करना है क्या, गाइस आप लोगों को जाना है ऐड फोटो में। एंड गाइस ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है गाइस कुछ इस टाइप से। आपको यहां पे जो मॉडल का पोज वगैरह जो भी है आपको देख लेना है यहां पे ध्यान से, ठीक है। एंड उसके बाद आपको यहां पे इसको करना क्या है, आपको इस मॉडल के साथ आपको यहां पे मॉडल को जो है साइज वगैरह जो है आपको कुछ इस टाइप से रखना है यहां पे कुछ इतना, ठीक है। एंड गाइस जब आप मॉडल को यहाँ पे लगा दोगे तो आपको यहाँ पे लगाने वाले इधर डन नहीं करना है, अभी इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही गाइस आपको पता है नीचे से बैकग्राउंड जो है डार्क है तो आपका मॉडल भी नीचे से डार्क होगा, तो उसको करने के लिए आपको यहाँ पे अपना मॉडल को डुप्लीकेट करना है एंड सेम साइज में रख देना है। एंड उसके बाद मॉडल को लेकर जाना आपको इफेक्ट में ले जाने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा एक कलर्स का ऑप्शन, आपको कलर्स में ले जाना, फिर उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट मिलेगा आपको, यहाँ पे इसको अमाउंट जीरो करके ऊपर से मर्ज करके ऊपर से कर देना डन। एंड गाइस उसके बाद आपको रेजर टूल में जाना, इसको इन्वर्ट करना, ब्रश लेना, ब्रश का साइज इंक्रीज कर देना, हार्डनेस एंड ओपेसिटी कम कर देना है। देन आपको फोटो को जूम करना है, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ पर भी अपने मॉडल को डार्क करना है जिस साइड से आप वहाँ पे वो सिंपली वहाँ पे पेंट कर देना है, ठीक है। अदरवाइज गाइस अगर इसका ओपेसिटी ज़्यादा हो जाता तो आप यहाँ से ओपेसिटी जो इसकी मैनेज कर लेना। आप गाइस देख सकते हैं हमारी जो यहाँ पे फोटो एकदम मतलब मैनेज हो चुकी है दोनों, तो अभी आपको यहाँ पे कर देना है इसको डन, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको गाइस क्या करना है, आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है रेन का पीएनजी। एंड गाइस इसको ऐड कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे कुछ स्टेप्स ऐसे यहाँ पे इसको साइज जो छोटा छोटा करके आपको यहाँ पे लगाना है, मतलब कि दो बारी में लगा लेना गाइस इसको, ठीक है। जैसे कि एक इस साइड में हो गया एंड इसको डुप्लीकेट करके आपको एक इस साइड में लगा देना है, ठीक है, इस तरीके से। एंड गाइस आपको यहाँ पे दो तरफ नहीं लगाना है, आपको और भी जगह लगाना है। जैसे कि गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आपने जैसे कि यहाँ दो यहाँ पे लगा दी ऊपर की तरफ, आप इसके एक डुप्लीकेट कर लो, इसका डुप्लीकेट करके आप इस साइड में भी लगा लो, क्योंकि जो मतलब बारिश होगी तो आपके चारों तरफ गिरेंगे ना पानी, तो एक इस साइड भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब इसमें मतलब कि हमारा जो है मतलब पानी वानी सब कुछ एकदम रियल लग रहा है, तो अभी क्या करेंगे, अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे सेव एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में, क्योंकि इसको रिटच करके ना और भी ज़्यादा बूम बना देते हैं हम फोटो है ना, ताकि मतलब कलर्स वगैरह जो है वो भी मैच हो जाने चाहिए। तो अभी हमने इसको यहाँ पे सेव कर लिया था, अब इसको हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको लाइट रूम ऐप में ओपन करेंगे, ठीक है। ऐड वेड तो हम पहले से ही करके रखते हैं आपको बताइए, तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं डायरेक्ट। अब गाइस ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे मिलेगा एक लाइट वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इस पर जाना है, कॉन्ट्रास्ट जो है आपको इसको थोड़ा कम कर देना है, हाईलाइट जो है इसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे इंक्रीज कर देना है, जो व्हाइट है यहाँ पे इसको भी इंक्रीज कर देना है, ब्लैक है जिसको भी इंक्रीज कर देना है। फिर जाना आपको कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड उसका जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड चले जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, ल्यूमिनस आपको यहाँ पे बढ़ा देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद सैचुरेशन भी थोड़ा माइनस कर देना है, एंड उसके बाद चले जाना आपको डार्क ब्लू में। जैसे ही गाइस आपको डार्क ब्लू का यहाँ पे कुछ चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अब जैसे कि येलो कलर नहीं है तो हम इसका सैचुरेशन माइनस करके डन कर देंगे, एंड जाएंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने का यहाँ पे हम क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो में जो विग्नेट वगैरह वो डाल देंगे, एंड इसके नीचे मिलेगा ग्रेन अमाउंट, हम इसको भी बढ़ा देंगे, एंड चले जाएंगे यहाँ से नीचे वाले टूल में। नीचे वाले टूल में जाने के बाद यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करेंगे, नोड रिडक्शन डाल देंगे, एंड इसके नीचे जो कलर नोड रिडक्शन है इसको भी बढ़ा देंगे। तो फाइनली हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।